अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम। तो समझ में लग रही है, बना रहे हैं चिकन प्लाव। लाइट हमारी गई हुई है, हम फोन की लाइट में बना रहे हैं। प्याज थोड़ा ब्राउन, चिकन अभी बेटी धो रही है, चिकन अभी धुल जाएगा। तो आज आपको झटपट चिकन प्लाव की बना के दिखाते हैं रेसिपी। और तो मैं क्या हो रहा है, मैं वो छील लू जरा, फिर तुम्हारी तरफ आती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। आ रहे हैं झटपट पुलाव, ठीक है। ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा, एक तो ये झटपट इसलिए भी है कि ये मटन नहीं है और ये है चिकन, और चिकन का पुलाव बहुत जल्दी बन सकता है। जैसे आज हमें सिर्फ अपने लिए ही चाहिए और कोई मतलब इतना फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तो एक जो है हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं, एक ही है, लेकिन मैं इसके लिए ना मैंने कहा झटपट वाला पुलाव बना लेते हैं और जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि उनको भूख बहुत लग रही है। हाँ, क्योंकि उसको भूख बहुत लगी हुई है। सही है, तो ये बाकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी सी दालचीनी, एक ये वाला फूल, क्योंकि जल्दी में मुझे चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, इसलिए आपको दिखा दिखा के डालता हूँ। कि जो है ना खाना जो है, मैं जो हूँ ना, मेरी कोशिश होती है खाना जल्दी जल्दी बन जाए, सबका पेट भर जाए। तो जब भूख लगी हो ना, तो जो खाना होता है ना जब भूख लगी हो, तो उसका टेस्ट थोड़ा 19-20 भी हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आपकी भूख मर जाए, भूख लग लग के आपका बुरा हाल हो जाए, तो उस वक्त ये होता है कि आपको कितना भी अच्छा खाना दिया जाए ना, तो आपको मजा नहीं आता। क्योंकि टाइम टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन, अब करेंगे चिकन की भुनाई। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे बहुत सालों से पता है कि ये जो देसी मुर्गी, तो ये नहीं है, ये दूसरा ब्रायलर है। अच्छा, ब्रायलर में एक चीज़ ये है कि जब आप ब्रायलर जो है, इसमें जो बहुत मोटी मोटी सेहतमंद मुर्गियाँ होती हैं ना, ये लोग जो जो देग हम पकाते हैं ना, जैसे अब्दुल्ला शाहगाजी पे देते हैं देगें, तो उसमें ऐसी चिकन को यूज़ करते हैं। क्योंकि एक तो ये बहुत सस्ता होता है और कोई इसमें ताकत नहीं होती, यानी ये ब्रायलर का भी एक जो है ना, इसको उससे भी ज़्यादा आप नकम्मी चीज़ कह सकते हैं। क्योंकि मुझे सही लफ्ज इसके लिए समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो बहरहाल ये अब आ गया है हमारे पास, क्योंकि हमारे घर के कोने पे जो दुकान है उस पर आज ये भी बना मिला है। और वैसे भी बच्चे को मैं समझाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, बताने से बच्चों को पता चलती है। कभी भी आप ब्रायलर मुर्गी खाएं तो बहुत बड़ी ऐसी पली हुई ना लें, क्योंकि ये बिल्कुल जो होती है ना, ये मुर्गियाँ इन्होंने, उनको बहुत सस्ते मिलती हैं और हम समझते हैं कि ये जो है ना, क्योंकि चिकन आजकल महंगा हो गया है, तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। और ये देखिए, इस तरह मैं चिकन को भून लेती हूँ। सारी जो चीज़ें हम डालते हैं यखनी में, मटन यखनी में, गलने के लिए, पकने के लिए हम यखनी बनाते हैं मटन में, लेकिन चिकन में हमें ज़्यादा ज़रूरत बनाई तरह की ज़्यादा पकाने की नहीं होती। इसकी वजह ये है कि चिकन जल्दी से ही गल जाता है। तो अब आपको दिखाऊंगी, अभी आप देख लें, मैं इसको भून रही हूँ और बाद में आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये वो देचकी मुझे छोटी लग रही थी थोड़ी सी, उसमें चावल खुले नहीं बनने थे, क्योंकि हम 3 कप चावल बना रहे हैं, बड़ा कप, और वो फिर चावल अच्छे से खिलते नहीं हैं, खुलते नहीं हैं। तो अब हमने देचकी बदल लिया है, इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि पुलाव में मुझे यह लगता है कि नमक अच्छा हो तो बड़े मज़े का लगता है पुलाव।
तो अब जो है मैं बस इसको थोड़ा सा दो मिनट और भूनूंगी, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी हमने नाप के रखा हुआ है दूसरी देचकी में, फिर वो पक जाएगा थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये पानी हमने जो देचकी खाली की है ना पहले वाली, ये वो पानी है, इसको हम डाल देंगे साथ। हम रायता बना लेंगे, और हमारे पास कल के टिंडे हमने दिखाना जरा भरे हुए टिंडे बनाए थे बेटी ने, और बहुत मजेदार थे, तो आज ये भी हम रोटी के साथ खा सकते हैं। तो पुलाव तो आपको बताया, उनके लिए मैंने बेस्ट आ रहे हैं ना, वो मैंने उनके लिए बनाया खास तौर पे, क्योंकि उसको भूख बहुत लगी हुई थी, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो स्पेशल बच्चों के लिए करना चाहिए, बच्चे खुश होते हैं तो खुदा भी खुश होता है। तो ये भुन गई है चिकन, तो इसमें अब हम डाल देते हैं पानी। फिर जब एक दो वाले आ जाएंगे तो ये देखिए सारा पानी हमने डाल दिया इसके अंदर, अब ये इसकी बन जाएगी यखनी। इसका कलर देखिए, पुलाव का कलर जो है, मैं कोई माहिर शेफ नहीं हूँ, लेकिन जो घर में मैं करती हूँ वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी मामा जब राइस बनाती थी पुलाव बनाते थे हमारे घर में बचपन में, पुलाव जर्दा और कबाब और कोफ्ते ये चीज़ें बनती थी। लेकिन अब जो है बिरयानी उसके बाद ही आई है, मतलब मेरे बुढ़ापे में आके बिरयानी आई है, पहले हम लोग बिरयानी से वाकिफ नहीं थे, और शायद यही वजह है कि आज भी मुझे बिरयानी जो है वो इतना, बच्चे खाते हैं लेकिन मुझे नहीं करते। तो अभी इसको एक दो उबाले आने देते हैं, ढक्कन कर देते हैं, और ये देखें हम तो खाते ही हैं वाटरमेलन, इसको भी देते हैं हम खाने के लिए। पाँव दिखा, पाँव सही हुआ है ना, पाँव पे लगी थी कल रात को चोट, मैंने कहा वो चेक करो दिखाओ। हेलो आप तो नजर नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रहा है, जब उस पर लाइट डलती है ना तो वो बहुत अपसेट हो जाता है। क्या कर रहे हैं? हाँ ये तो है। गाइस यहाँ पे बन रही है पजल, आज जो है जेबी बना रहा है पजल। ये बड़ी दुविधा वाली चीज है। अच्छा अभी आपको दिखाती हूँ कि चावल का जो पानी था जो यखनी जी से बनानी थी को पकने लग गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं मैं पकाती हूँ कि ये कोई देसी मुर्गी तो है नहीं, और ना इसमें कोई मतलब टेस्ट होता है ना कुछ होता है, तो चिकन की उपज में इसीलिए डालती हूँ। और पुलाव का देखें जैसी रंगत होनी चाहिए, जखनी की रंगत वही, अभी आपके सामने मैं चावल डालती हूँ। ये देखेंगे ये हम डालते हैं, ये 3 कप चावल है, इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला था नमक, और मैंने जब भी मैं चावल बनाती हूँ, बनाती तो कम हूँ लेकिन जब भी बनाती हूँ ना तो मैं इसमें डबल पानी डालती हूँ, कभी कभी किसी चावल में कम भी डालना पड़ता है, लेकिन इन चावल को मैंने पिछली दफ़ा भी जैसे मटन पुलाव बनाया था तो उसमें पानी ज़्यादा डालना पड़ा था, तो अभी इसलिए आज मैंने इसका पूरा पानी डाला है। और ये जो है ये 3 कप है चावल के, और 6 कप मैंने इसमें पानी डाला। अब इसको उबाला आएगा, थोड़ा सा पकने देंगे, और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये साथ देखें, ये हमारे साथ जो है बराबर में पड़े हुए टिंडे, ये बहुत अच्छे कल मज़े के टिंडे बने थे, आज हम उसको गर्म कर रहे हैं, ये साथ रोटी बनाएंगे और फिर ये भी खाएंगे। भिंडी भी हमारे पास पड़ी हुई है, काफ़ी हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं खाने के लिए। यखनी वाले चावल बन रहे हैं पुलाव, जिसको हम चिकन पुलाव कह सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल पुलाव को पुलाव के तरीके से ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा उसको झटपट कर लिया है, यखनी अलग से नहीं बनाई है, तो अब चावल बड़े अच्छे से बन रहे हैं। अब जब एक कनी इनकी रह जाएगी तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। एक कनी का मतलब ये होता है कि जब 3 हिस्सा चावल बन पक जाए और छोटा सा एक कोना उसका कच्चा रह जाए, फिर हमने इनको दम पे लगाना होता है। तो अभी जब दम पे लगाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ ठीक है, करती हूँ। ये देखना ये दरमियान में है, ये देचकी, ये इसके ना मैंने एक ये बैंगन के लिए लिया था,
बैंगन का भरता बनाने के लिए, वो मैंने इसको नीचे रख दिया। अभी मैंने आंच थोड़ी सी तेज रखी है, ये गर्म हो जाए बाद में मैं करती हूँ धीमी आंच। और चावल भी ऊपर से देख लें कि अब ये जो है ये मैं चेक करूंगी अभी इसकी कनी को, ठीक है। उसके बाद हम रुमाल डाल के तो ढक्कन के ऊपर मैं चेक करती हूँ, ये तकरीबन इसकी एक ही कनी रह गई है और गुड, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ अपने मिशन में, क्योंकि आपको बहुत खुशी होती है जब आप कोई काम करते हैं तो जब अपने पाए मुंह को पहुँचता है ना तो आप बहुत खुश हो जाती है। तो अभी ये देखें कि मैंने इसमें रुमाल लपेट दिया है, रुमाल भी आप लपेट सकते हैं और आप ना वो फॉइल पेपर भी, मैंने ना पहले एक फॉइल पेपर परमानेंट रखा हुआ था, फॉइल पेपर को मैं लपेट देती थी क्योंकि रुमाल कई दफ़ा गीले गंदे हो जाते हैं। ये देखें ये तकरीबन हो गए हैं, चावल बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली दफ़ा मुझसे चावल जो है वो अच्छे नहीं थे बने, वो इसलिए अच्छे नहीं थे बने, पता नहीं क्यों नहीं थे अच्छे बने, क्योंकि जाहिर है जो बंदा कभी कभी कोई चीज़ बनाता है तो वो फिर इस तरह का काम करता है। तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम और खुदा से दुआ है कि ये अच्छा बने और खाएं इससे ताकत हासिल करें और नेक कामों में खर्च करें, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने बंद कर दिया, अब खोलूंगी तो आपको दिखाऊंगी आफ्टर 10 मिनट्स। हेलो एवरीवन, पुलाव हो गया है तैयार और मैंने देख लिया था पहले एक दफा, चावल जो है ये बन गए हैं, गुड हो गया। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, देखने के लिए शुक्रिया।